आपको बता दें तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी वाले दूध के धुले हैं ना। 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। दोस्तों, बिहार में लगता है कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा है, बड़ा खेल खेलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तभी तो गठबंधन टूटने के बाद, बीजेपी से रिश्ता छूटने के बाद नीतीश कुमार लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। अब ऐसा हमला कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसको सुनकर बीजेपी शायद कभी ख्वाब में भी नहीं सोच रही होगी कि ये वही नीतीश कुमार है जो उनके साथ रहा करते थे, उनके हाँ में हाँ मिलाया करते थे। भले ही उनकी बातें जो हैं, उनके रास्ते कभी एक तरह से मिलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन वो चुप और खामोश रहते थे, ज्यादा बयानबाजी करने से बचते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार जो है, जब से नई गठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, जब से आरजेडी के साथ उन्होंने अपना पाला बदला है, तब से नीतीश कुमार के एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब नीतीश कुमार बीजेपी पर हमलावर नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर और News24 पर भी शेयर किया गया है कि कैसे नीतीश कुमार जो है बीजेपी की खटिया खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी भ्रष्टाचार का जो है जाप जपती रहती है, उस पर ऐसा पलटवार नीतीश कुमार ने किया है कि शायद बीजेपी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के सवालों पर मीडिया के सामने ऐसा बयान दिया जिसमें बीजेपी जो है वो चारों खाने चित हो गई। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि हम भ्रष्टाचारियों को क्यों बचाएंगे, हमने कभी भ्रष्टाचारियों को नहीं बचाया है और हमारा दामन बिल्कुल पाक साफ सुथरा है। हमने बिहार की जनता के लिए काम किया है, बिहार की जनता के जो है हम कल्याण करने के लिए ही कुर्सी पर बैठे और हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वो लिखते हैं कि कोई किसी भ्रष्टाचारियों को बचाएगा क्या, हम भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया कि कैसे जो है ये लोग एयरलिफ्ट कराते हैं, कैसे खरीद फरोख्त करते हैं। बिना नाम लिए उन्होंने ये तंज का तीर जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी की ओर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कौन कहां से लाता है और किस तरह से भ्रष्टाचार का जो जीता जागता नमूना है वो आप देखिए, उनसे जाकर सवाल कीजिए। दोस्तों, आपको याद होगा महाराष्ट्र में क्या खेल हुआ, मध्य प्रदेश में क्या खेल हुआ, कर्नाटक में क्या खेल हुआ और फिर दिल्ली में क्या खेल होने वाला था, बिहार में क्या खेल होने वाला था। ये वो राज्य हैं जहां पर सिर्फ खेला ही खेला हुआ। तब भ्रष्टाचार पर कोई सवाल पूछ नहीं रहा था, तब भ्रष्टाचार जो है इनको नजर नहीं आ रहा था कि ये भ्रष्टाचार है। तब इनको सब कुछ दूध का जो है, दूध की सफेदी नजर आ रही थी कि यहां पर तो कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। लेकिन खोकेबाजी वाली जो खबर जब से सामने आई है, जब से विपक्ष ने आरोप लगाया और दावे भी किए गए हैं कि कैसे जो है खोके दे देकर लोगों को खरीदा गया है, तब से बीजेपी अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है कि जो दूसरों पर उंगली उठा रही थी वो उंगली उनके ऊपर भी उठ रही है और उठने लगी है। और तो और, इनका साथ तेजस्वी यादव ने दिया। नीतीश कुमार के पलटवार के बाद तेजस्वी यादव ने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और इन्होंने कहा कि बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में 1000 से ज्यादा सांसद है, विधायक हैं, क्या ये सब दूध के धुले हुए हैं, क्या इन्होंने कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया, क्या इनके घर पर जो है सीबीआई ईडी की रेड जो है वो कब पड़ेगी। विपक्ष पर तो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते हैं, लेकिन कभी अपने घर के लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कब लगाएंगे। ये लोग इतने दूध के धुले हुए तो नहीं है कि इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जो खेल दोस्तों ईडी सीबीआई का खेला जा रहा था, उस खेल में सीधे तौर पर अगर आप एक नजर में देखेंगे तो यही नजर आएगा कि ये खेल जो है बीजेपी पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, उल्टा जो खेल है बीजेपी पर, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये खेल में कैसे बीजेपी वाले फंस चुके हैं। बीजेपी जो भ्रष्टाचार का
राग अलाप रही थी वो भ्रष्टाचार अब इनके गले की हड्डी बन गई है कि कैसे जो है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आप अपने पार्टी में अपने पार्टी के विधायकों को देखिए कि कैसे जो है आप लोग भ्रष्टाचारियों का साथ देते और खुद भ्रष्टाचार करते हैं खोखा दे दे करके, ये बात इन्होंने कही। और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के 1000 से ऊपर विधायक हैं और 300 से ज्यादा सांसद हैं, क्या किसी के घर भी छापा पड़ा है? बीजेपी के लोग क्या दूध के धुले हैं? उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है, उन्हें बचा कौन रहा है? ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों कि उन्हें बचा कौन रहा है, इनके ऊपर कब छापा पड़ेगा, बीजेपी के लोगों के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता? तेजस्वी यादव ने कहा कि उनसे पूछिए कौन बचा रहा है, ये मेरा सवाल जो है मेरे लायक नहीं है, आप मुझसे ये सवाल मत पूछिए, बीजेपी से जाकर सवाल पूछो। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया को उनके सवालों में ऐसा जो है जवाब दिया कि मीडिया भी बक हो गई। किसी के पास ऐसा सवाल नहीं है दोस्तों, 1000 से ज्यादा विधायक है, सांसद है बीजेपी के पास, सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या वहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? वहां पर सब कुछ चंगा सी चल रहा है? ऐसे सवाल तो लोगों के मन में भी उमड़ रहे हैं दोस्तों, कई ऐसे जो लोगों के मन की बातें टटोलने के लिए मीडिया के लोग जो है सवाल पूछने उतरे फील्ड पर, तो उनका भी सीधा से यही सवाल था कि क्या बीजेपी के विधायक जो हैं, नेता जो हैं, सांसद जो हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं हैं? अब आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे देते हैं। गालीबाज त्यागी जो बीजेपी का नेता बता रहा था, जो नोएडा में महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ जो बदतमीजी कर रहा था, उसकी जो पूरी डाटा जो पूरा उनका खंगाला गया, तो वो करोड़ों रुपए संपत्ति का मालिक था, जिसको बीजेपी कहती है कि बीजेपी का वो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि वो बीजेपी के हैं। उसने उनके जब पूरे जायदाद को पूरी संपत्ति के बारे में खंगालना शुरू किया गया, तो करोड़ों रुपए की संपत्ति उन्होंने बना रखी थी, और किस वजह से, किस लिए? सिर्फ बीजेपी नेता का धौंस दिखा दिखा कर। तो ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर छापेमारी कब होगी, कैसे होगी, ये कहना मुश्किल है दोस्तों। बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन की जो तस्वीरें नजर आई और फिर 2024 की जो तस्वीरें झलक रही है बिहार की सड़कों पर, या आप बार बार हम आपको खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि पोस्टर बैनर हो या तमाम चीजें हैं, बिहार में लगनी शुरू हो गई है। जो राजनीति बीजेपी कर रही थी वो राजनीति अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है, जिसका ताजा तरीन उदाहरण आपके सामने है कि कैसे बिहार की सड़कों पर मोदी जी के बयानों को लेकर जुमला करार दे दिया गया। 15 लाख हो, रोजगार हो, महंगाई की मार हो, गैस सिलेंडर हो, ये सब वादे तो हम सभी से किए गए थे, देश की 135 करोड़ जनता से की गई थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपका सपना साकार करेंगे। कांग्रेसी भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, इसी वजह से तो जनता ने इनको चुना था, बार बार चुना, दो बार चुना, लेकिन महंगाई की मार जो है वो अभी भी लोगों के ऊपर है। दोस्तों नीतीश कुमार ने बीजेपी के जुमलों का इस्तेमाल करके पूरे सड़कों पर पोस्टर बैनर चिपका दिया है, और आज एक बार फिर से उन्होंने बड़ा धमाका कर दिया है। जो भ्रष्टाचार का गाना गाते थे उन पर ही भ्रष्टाचार का ठीकड़ा फोड़ कर उनके ही मत्थे मढ़ दिया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।